सज्जनों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं क्या का निवासी हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है बुद्धा योगी। मेरा नाम बुद्धा योगी है, मैं बुद्ध नगरी का निवासी हूँ, शंकर जी का पुजारी हूँ। यद्यपि आकाश में पंछी उड़ते जाते हैं, नीचे पर छाही देख लेता हूँ तो उन्हें नोच करके खा जाता हूँ। कभी तो बाबा जी, कभी बाबू जी, मेरे कई एक भेष है दोस्तों। कभी तो मैं बुद्धा गानी बन जाता हूँ, लेकिन मेरी माया को मैं अपरंपार हूँ, कोई नहीं पाता है। दोस्तों, जिसकी स्त्री सुघर देख लेता हूँ, जिसकी पुत्री सुघर देख लेता हूँ, जब तक उसे एक बार मैं बुद्ध नगरी नहीं दिखा देता हूँ, तब तक मेरे दिल में चैन नहीं आती है। प्यारे दोस्तों, आज वही दिन आ गया है। एक समय की बात बताता हूँ, मैंने शहर पिंगुल को भिक्षा मांगने के वास्ते गया। मारू पे दरवाजे पे अलख जगाया, मैंने कहा मारू तू पति नारी है, सती नारी है, बाबा को भिक्षा दे दो, तेरे द्वार से चला जाए। मारू कहने लगी नहीं, मैं बाबा तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती हूँ, मैं भिक्षा उसी दिन दे सकती हूँ जिस दिन हमारे पति शहर नरवर से शहर पिंगुल में गौना लेने के वास्ते आएंगे। बाकी मैं किसी को अपने हाथों से दान नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा मारू तो अपने लिए अच्छा किया है, लेकिन इस योगी राज के लिए तूने पूरा कर रही है, क्योंकि लिए निराश होकर के दरवाजे से घुमानी अच्छी बात नहीं। लेकिन मेरी बात को उसने उल्लंघन कर दिया। दोस्तों, आज मैं अपनी चित्रकारी पर सो रहा था, अचानक मुझे सपना हुआ कि मारू का पति शहर नरवर से शहर पिंगुल में आ चुका है, रानी मारू का गौना लेने के वास्ते। वो अपने शहर पिंगुल में चित्रकारी पे सो रहे थे, इस टाइम में सो रहे हैं। अब मुझे क्या काम करना चाहिए, भेष बदल करके शहर पिंगुल में जा करके यदि उसे सत ना ठिका दिया तो मेरा नाम बुद्धा जोगी नहीं। चल मारू मारू तेरा चाहने वाला आ रहा है। मन माई मारू मेरे तन माई मारू,
सीताराम। बच्चा जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बोलो। अरे तो भिक्षा लेने आया। हाँ बच्चा, भिक्षा मांगने के वास्ते आया। अच्छा कोई बात नहीं, देखो तब पे द्वारे से खाली हाथ जाओगे तो अपमान हो जाएगा, ठीक है मैं खुला दिया। ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं भिक्षा तो जब ले सकता हूँ। पहले अपना नाम पता बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तारू। क्या? तारू। शादी हो गई? शादी हो चुकी है। गौना? शादी भी हो चुकी, गौना भी हो चुका। तारू? शादी भी हो चुकी, गौना भी हो चुका है। आ, हमारे बच्चे 3.5। 3.5 के मतलब? 3 है। ठीक ठीक मैं समझ गया। ठीक मैं समझ गया। तारू निराश नाराज मत होना, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं लेना चाहता हूँ। बाबा बोलो। नहाए छटे धोती। अब बाबा ले कहो ले में बनाए जाए रोटी। आराम से बच्चा जाओ रोटी बनाओ जा करके। मैं भिक्षा उसी के हाथ की लेता हूँ जिसकी शादी हो गई हो, गौना ना हुआ। अरे शादी हो चुकी पर गौना ना हुआ। हाँ उसके हाथ का भिक्षा लेना। उसी के हाथ में भिक्षा लेता हूँ, ब्रह्मचारी बाबा हूँ। ठीक है बाबा, हम का कैसे मालूम होते जो हम का आंखें कट्टी कट्टी ली आया बाबा, ऐसा हमें मालूम हो। बहुत लोग कहते हैं, हम खुद जानते हैं, बहुत बाल ब्रह्मचारी, बहुत बाल ब्रह्मचारी। और देखे चल नारी तटपति आंखें मारी। क्या बताया क्या बताया? कुछ ना कुछ नहीं, नहीं क्या कहा? भिक्षा करते थे। अरे मैं समझ गया। हाँ क्यों दोस्तों लोग कहते हैं, चलत पाए तिरछा परे, चलत पाए तिरछा परे नैन कटीले हुए, हसत गाल गड्ढा परे साली पक्की छमकट हुए। ये जो तारू है बहुत चंचल छमकट है, मैं समझता हूँ इसके। जाओ हराम जादी। अरे मारू बहन, मारू बहन, देखो कोई एक जोगी बाबा आया है, वो मेरे हाथ का भिक्षा नहीं लेंगे। अब वो कहते हैं जिसकी शादी हो चुकी है प्रतिगौना न हुआ हो, उसी के हाथ का भिक्षा लूंगा। जाओ जाओ भिक्षा देके आओ, मैं तब तक तुम्हारे पति की सेवा कर रहा स्वास्थ्य पूछता हूँ, इसलिए तुम अपने हाथों से दान करोगे तो हमारा नियम यही है कि मैं तुम्हारे नाम का संकल्प करना होता है, इसलिए मैं नाम पूछता हूँ। तो मेरा नाम मारू है। मारू जी हाँ। शादी हो गई?
हाँ बाबा, गौना शादी भी हो गई और गौना नहीं हुआ है, परंतु कल गौना भी हो जाएगा, क्योंकि गौने वाले मेरे स्वामी जी चित्रटारे के ऊपर ठहरे हैं, मैं उनको सोते ही छोड़ के आई हूँ, कल हमारी विदाई यहाँ से हो जाएगी। सच कहती हूँ, सती नारियों को यही धर्म होता है, एक दूसरे को दान के देने के खातिर पति को सोते हुए छोड़ करके हमें भिक्षा दान देने के वास्ते आई हूँ। लाओ मारू चौखट के बाहर आ जाओ, मेरी झोली में भिक्षा डाल दो, मैं अपने वतन को चला जाऊं। नहीं योगी बाबा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इस चौखट के बाहर मैं अपना तो कदम नहीं बढ़ा सकती हूँ। मारू, तू चौखट के बाहर पैर बढ़ा नहीं सकती है, तो मैं वो योगी हूँ कि मैं बंधी भिक्षा बच्चा लेता नहीं, बंधी भिक्षा को स्वीकार नहीं करता। बाबा बोलो, और कैसे निकलो मेरे लेना है तो यहाँ से मैं हाथ बढ़ाती हूँ, और ये भिक्षा रखनी है तुम ले लो और अपने वतन चले जाओ। ठहर जाओ, मेरी एक बात को सुन लो, आराम से जा सकते हो। संसार में मैं यही सुनते चले आ रहे हैं कि राजा बुद्ध की कन्या जो है मारू बहुत सती नारी, बहुत पतिव्रता नारी है, लेकिन इस प्रकार की तुम पतिव्रता नारी हो, हमें संसार में यह तुम्हारी इतनी प्रशंसा हो रही है जिसको कोई जवाब नहीं मारू। मैं हर मकान, हर दरवाजे, हर मेला बाजार में जाने वाला हूँ, गलियों गलियों में भटकता हूँ, मैं क्या कहूंगा? सुनो मारू, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा संसार में नाम अगर
दुनिया जानती मारू पतिव्रता, अपने वचन को छोड़ी सती नारी जया। कोई नहीं खाली गयो भी भिछाए द्वारे से, अरे तुम जोगी मुख मोड़े काहे रह जाई। चला जाऊंगा मारू, चला जाऊंगा, मैं जोगी पर भोगी नहीं हूँ, असली जोगी बाबा हूँ। तुझे दान करना है चौखट के बाहर आ जा, यदि दान तुझे देना नहीं है तो योगी राज अपने वतन को चला जाएगा। अरे हुई मजबूर जई गई जोगी से, बार बार कहा बुद्धा योगी से ये जरार करने से कोई फायदा नहीं उठाओगी। तुमने मुझे दरवाजे से वापस करके ये फलवाया। आज दोस्तों मैं सात समुद्र के पार में बुद्ध नगरी न्यारी बसवाया है, यहां कोई मानुष आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सात समुद्र साला ना मेरे यहां बुद्ध नगरी को आ पाएगा। जाओ मारो, आज से तुम मेरी जोगिनी बन करके रहोगी। दोस्तों 100 रानियां थी, आज से 101 रानियां हो गई। अब से जादू काट करके होश में लाना चाहिए। वापस गए नहीं हो क्या बात? मारू दीक्षा लेकर के जाओ, क्योंकि मैं हमारा ऐसा मुझे मालूम दे रहा, मुझे दिमाग का ही नहीं काम कर रहा है। मारू मेरी जान इधर देख, सामने बोल क्या है।
क्या हो? शहर पिंगल में। शहर पिंगल में आंखें खोल We'll be right back.
जाऊंगी लेकिन ऐसे कभी नहीं बनूंगी। फिलहाल मेरा चाहे जिस तरीके से बनो मेरी चाल, मैं रानी ऐसे कभी नहीं बनूंगी। जो इंसान मेरा वचन पूरा करेगा मैं उसी इंसान की रानी बनूंगी। वचन एक नहीं चार, तुम्हारे वचन को उल्लंघन कर दो तो तुम अपने वतन को चली जाना। बोल क्या कहना चाहती है? जो मेरा वचन पूर्ण नहीं कर पाओगे तो उसकी शर्त क्या है? क्या है? मुझे जहां से लाए हो वही तुमको भेजना पड़ेगा। मारू कसम खा करके कहता हूं, कह दिया वही होगा वही होगा, कह दिया वही होगा वही होगा, कह चुका वादा फरकना ये। बोल जो कहना चाहती है, तेरे वचन को अवश्य में पूरा करूंगा। जोगी बाबा, 6 महीना तक शादी नहीं करी है, पहली शर्त तो ये है। 6 महीने? हाँ 6 महीने तक, 6 महीना तक शादी नहीं करी भाई। अरे सब बन जाए तुम्हारी हम जोगिनी नारी। तू सती नारी है सच कहती है, लेकिन मैं भी कसम खाकर के वचन दे दिया, जाओ 6 महीने तक मैं तुझसे कताब नहीं कुछ कह सकता। बोल और कुछ कहना चाहती है? 7वें महीने में जबरदस्ती तुम राजी बनोगी, ये समझ लो। भाई